रूस के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को प्रचंड जीत यहां पर हासिल हुई है। चुनाव में जीत मिलते ही पुतिन ने फैंस को एक बड़ी धमकी दे दी। पुतिन ने कहा कि हम विश्व युद्ध में से बस एक कदम दूर हैं। पुतिन का ये गुस्सा, पुतिन का ये बयान फ्रांस के राष्ट्रपति के उस बयान के बाद दरअसल सामने आया जिसमें इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की बात कही थी। पुतिन ने अमेरिका को फिर से वार्निंग दे दी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर से चंद कदम दूर है दुनिया। तो क्या परमाणु युद्ध होकर रहेगा? तो все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही पुतिन ने दुनिया को शॉक में डाल दिया है, ये कहकर कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही बने हैं और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगी। पुतिन एक बार फिर से पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब उनका एक एक शब्द अमेरिका को डराने वाला है। То все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. पांचवी बार राष्ट्रपति बनते ही पुतिन के पहले बयान ने पश्चिमी देशों को खौफ में भर दिया है। साफ तौर पर पुतिन की ये चेतावनी वर्ल्ड वॉर 3 की है। पुतिन ने ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी है जब यूक्रेन वॉर तीसरे साल में पहुंच चुका है। पुतिन का ये गुस्सा यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूक्रेन में नैटो सैनिकों की मौजूदगी से है। पुतिन ने यह दावा किया कि नैटो के सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। राष्ट्रपति पुतिन का यह रौद्र रूप देखकर दुनिया सत्ते में है। पुतिन को आखिर क्यों तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी देनी पड़ी, हम आपको सबसे पहले वो समझाते हैं। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों क्या कह रहे हैं। Jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif qui est que la Russie ne gagne pas. मैक्रों का ये बयान अभी हाल का ही है। मैक्रों के इसी बयान के बाद पुतिन का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे में सवाल है, क्या रूस और यूक्रेन की जंग परमाणु हमले का गवाह बनेगी? क्या एटम बम फोड़ने से पहले व्लादिमीर पुतिन परमाणु परीक्षण करेंगे? क्या रूस के जवाब में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी परमाणु टेस्ट का ऑर्डर देंगे? इन तीन सवालों के जवाब से भी बड़ी खबर यह है कि रूस और अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड होने के बाद दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकते हैं। परमाणु बमों की लिमिट तय करने वाले करार को स्थगित कर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे पहले ही जता दिए थे।
चार कैमरों में रूस का सबसे नया परमाणु बम देखिए। ये रूस का उल्का पेंट वाला परमाणु हथियार है। परमाणु बम से लैस ये मिसाइल धरती पर कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस का दावा है कि ये मिसाइल ठीक उसी तरह से आगे बढ़ती है जैसे अंतरिक्ष में कोई उल्का पिंड, ठीक उसी तरह से एक जलते हुए गोले की तरह से ये मिसाइल दुनिया के किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकती है। रूस की इस मिसाइल का नाम है एवनगार्ड मिसाइल। एवनगार्ड हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किसी भी दूसरी मिसाइलों के मुकाबले कई गुना अधिक रफ्तार के साथ हमला कर सकती है। एवनगार्ड मिसाइल 27 मैक यानी करीब 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। रूस का दावा है कि एवनगार्ड मिसाइल 30 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। रूस की माने तो एवनगार्ड मिसाइल करीब 10 किलोमीटर की दूरी सिर्फ एक सेकंड में पार कर सकती है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ है जिससे इसको ट्रैक करना काफी मुश्किल होगा। रूस का दावा है कि अभी तक किसी भी देश के पास इस हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। एवनगार्ड मिसाइल की मारक क्षमता 6,000 किलोमीटर से अधिक है। इसका वजन लगभग 2,000 किलोग्राम है। ये मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है। रूस की सेना का मानना है कि इस मिसाइल के एक्टिव हो जाने के बाद उसके न्यूक्लियर फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल को रूस ने ओरेनबर्ग इलाके में 31 मिसाइल आर्मी के भूमिगत साइलों में तैनात किया है। रूस का दावा है कि ये मिसाइल जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से अलग हो जाता है और इसके बाद अपने लक्ष्य की ओर आवाज से भी 27 गुना अधिक स्पीड से बढ़ती है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में परमाणु हथियारों के लिए 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहला रोसाटॉम, दूसरा 12वीं GUM और तीसरा स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RBSN। रोसाटॉम रूस के परमाणु हथियारों के सभी तरह के विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। रूस के 10 शहरों में रोसाटॉम की खुफिया यूनिट है। रोसाटॉम में कुल 2.5 लाख लोग काम करते हैं जिनमें से 95,000 परमाणु हथियारों के रिसर्च और विकास का काम करते हैं। बाकी के 1,55,000 लोग परमाणु बमों के प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं। रूस की 12वीं GUM परमाणु हथियारों के स्टोर, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। 12वीं GUMO में करीब 50,000 लोग काम करते हैं जिनमें से 45% अधिकारी हैं। वहीं स्ट्रेटजिक रॉकेट फोर्स RBSN साइलो और ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। रूस के परमाणु तहखाने से लॉन्चिंग पैड तक लाने का कमान इसी न्यूक्लियर फोर्स के पास है। रूस और अमेरिका दो सबसे ताकतवर परमाणु देश हैं। दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा इनके पास है और इसमें भी रूस के शस्त्रागार में इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक और ज्यादा परमाणु हथियार है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 4,489 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास परमाणु हथियारों की संख्या 3,708 है। चीन 410 परमाणु हथियारों के साथ तीसरे नंबर पर है। राष्ट्रपति मैक्रों के देश फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, 164 परमाणु हथियारों के साथ भारत का नंबर 7वां है। इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार होने का दावा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पुतिन ने यूक्रेन में परमाणु बम गिराने का मूड बनाया हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में परमाणु युद्ध होने वाला था, लेकिन पीएम मोदी के दखल के बाद एटॉमिक जंग रुक गई।